भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा लगातार क्षेत्र में पहुंचकर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान भाजपा को निशाने पर लेते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा के शासन में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, कांग्रेस की सरकार बनते ही महंगाई कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने जनसंपर्क के दौरान भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा, भाजपा के शासन में प्याज, दाल, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। कांग्रेस की सरकार बनते ही हम महंगाई कम करेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। पीसी शर्मा ने कहा कि मुझे जनता का अपार समर्थन क्षेत्र में मिल रहा है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद है दक्षिण पश्चिम विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी भाई साहब। आइए हम से जानते हैं कैसा संपर्क जनता पर कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का। भरपूर समर्थन मिल रहा है, ये संपर्क पहले से ही है, चुनावी जनसंपर्क है। और इनको जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की जो वचन पत्र है उसके बारे में बता रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जाएगा और हर आदमी को राहत मिलेगी। आज 100 रुपए किलो प्याज, 100 रुपए किलो चने की दाल, रसोई गैस के भाव बढ़ गए, डीजल पेट्रोल सातवें आसमान पर, 1 करोड़ युवा बेरोजगार, ये सबकी लड़ाई है। ये 18 साल की सरकार है, जनता ने मन बना दिया, ये चुनाव जनता लड़ रही है, इसलिए एक तरफा माहौल है कांग्रेस के लिए। ऐसा कौन सा काम बचा है जो आप बनने के बाद सबसे पहले वो कार्य करेंगे? नहीं, सबसे बड़ा काम तो होगा ये स्मार्ट सिटी को सुधारना होगा, जो लोग बेघर बेरोजगार और कर्मचारियों के मकान तोड़ दिए गए, आम आदमी के तोड़ दिए गए, वो आज तक मिला नहीं कुछ। और दूसरा सबसे बड़ी बात होगी रोजगार की और महंगाई कम करने की। रोजगार लाएंगे आप सबसे पहले? निश्चित तौर पर रोजगार, महंगाई कम कैसे हो, जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 बहन के अकाउंट में, 100 रुपए की बिजली, 500 से 1500 बच्चों को मिलेंगे पढ़ाई के लिए, वृद्धा पेंशन होगी 1200, ये सब चीजें महंगाई को कम करना और रोजगार, एक छोटे मोटे रोजगार की तरफ ध्यान आकर्षित करती है। अपने प्रतिद्वंदी को कितनी चुनौती मानते हैं आप? प्रतिद्वंदी बीजेपी का एक संगठन है, कमलनाथ जी कहते हैं, और बीजेपी के पास सत्ता है, पैसा भ्रष्टाचार का है, और हम लोगों के पास ये आम जनता है, ये संगठन है, ये कार्यकर्ता हैं, और 5 साल से जो संपर्क रहा है, बीच में काम किए हैं, वो है सामने वाला इस क्षेत्र में कभी नहीं आया, उसका इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी का भी दौरा है, कितना फर्क पड़ेगा इससे? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी, जब जब भी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सब जगह फर्क पड़ेगा। तो आम तौर पर इनका कहना है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जहाँ जहाँ जाएंगे उन पर सब पर फर्क पड़ेगा, और आगामी चुनाव में इनको अच्छा जनसंपर्क मिल रहा है, जनता इनके साथ है। कैमरामैन अमन के साथ शक्तिभारती गोपाल। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।